जब से रूस ने काला सागर अनाज डील तोड़ी है तब से वो लगातार यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहा है। खास बात यह है कि ओडेशा यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो उसे काला सागर से जोड़ता है और यहीं से यूक्रेन से हजारों टन अनाज दुनिया के अन्य देशों में भी भेजा जाता है। लेकिन अब पुतिन का फैसला अनाज निर्यात को पूरी तरह बंद कर सकता है क्योंकि ओडेशा हमले में 60,000 टन अनाज पहले ही मिट्टी में मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि वो तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर नए खाद्यान्न रास्ते से अनाज का निर्यात करेगा, लेकिन इसको रोकने के लिए पुतिन की सेना ने यूक्रेनी बंदरगाहों के रास्ते में समुद्री माइंस बिछा दिए हैं। अगर अनाज ले जाने वाले असैन्य जहाज इन रास्तों से निकले तो धमाकों में उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। इसी वजह से रूस के रक्षा मंत्रालय ने काला सागर के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व हिस्सों को जहाज रानी के लिए अस्थायी रूप से खतरनाक घोषित किया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब रूस इस रास्ते से जाने वाले असैन्य जहाजों को नहीं बख्शेगा। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ने भी एक बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एडम हॉज ने कहा कि रूसी सेना काला सागर में असैन्य पोतों पर संभावित हमले की तैयारी कर रही है। हमारा मानना है कि ये काला सागर में असैन्य पोतों के खिलाफ किसी भी हमले को उचित ठहराने और इन हमलों के लिए यूक्रेन पर दोष मढ़ने का एक समन्वित प्रयास है। बड़ी बात यह है कि मार्च और जून में रूस ने काला सागर अनाज समझौता को 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि आमतौर पर इसे 120 दिनों के लिए बढ़ाया जाता था, लेकिन रूस ने इसकी सीमा सिर्फ 60 दिन ही रखी है। और जब भी कोई जहाज यूक्रेन अनाज लेने के लिए आता था तो रूस और यूक्रेन के अधिकारी संयुक्त रूप से जहाजों की चेकिंग करते थे। ऐसा इसलिए होता था कि रूस का कहना था कि अनाज ले जाने वाले जहाजों से पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर देते हैं।